स्वागत है आप सबका डिवाइन देसी काउंसलर चैनल के ऊपर। दोस्तों आज एक ऐसे विषय के ऊपर बात जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मेरी खुद की लर्निंग है। बात यहाँ से शुरू होती है कि अलग अलग तरह के लोगों के साथ बात होती है। 17 साल का बच्चा है जो एग्जाम देने से डर रहा है, 25 साल की लड़की है जिसका ब्रेकअप हो चुका है और वो कुछ गाइडेंस या सपोर्ट चाहती है, 30 साल की लड़की है जिसकी शादी नहीं हो रही है, रिश्ते आते हैं चले जाते हैं, 36 साल की औरत है जिनको बच्चा कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, 38 साल की लड़की है जिसको बच्चा भी नहीं हो रहा है और जीवन परिस्थिति मतलब मैरिड लाइफ को संभालने में प्रॉब्लम हो रही है, 45 ईयर की कोई बहन मेरे पास आती है जिसको अपने बेटे के करियर की चिंता है, कोई आंटी आती है जो चाहती है कि उनकी बेटी के ससुराल में सब कुछ ठीक हो जाए, कोई अंकल आंटी एक बार आए थे जो बोल रहे थे कि हमारे बच्चे हमारे साथ अच्छे बिहेव नहीं करते, हम क्या करें। एक बहुत ही मेरे को दिल को छूने वाला जो एक बातचीत हुई थी वो थी 62 ईयर के अंकल जिनके बेटे उनके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहे थे। तो अलग अलग अनुभव है, बहुत सारे हैं, कुछ टीनेजर्स होते हैं कुछ, लेकिन परमात्मा की कृपा है कि हर तरह के इंसान के साथ बातचीत होती है। हर तरह की बातचीत से आप तो लर्न करते हैं, आपको तो गाइडेंस मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुकून, खुशी और गाइडेंस मुझे खुद को मिलता है। लेकिन इन सब बातों में कॉमन एक चीज़ मैंने जो नोटिस की है वो ये है कि हम इंसान, बेसिकली मैं और आप और ये सारे लोग जो आईना है समाज का, हम सब डरे होते हैं। हम जीवन के हर स्टेज के ऊपर सिर्फ और सिर्फ डरते ही रहते हैं, चाहे हमने कितना भी जीवन काटा, चाहे हमने कितनी भी परिस्थितियां झेली, लेकिन हर नई चीज करने से पहले हमारे अंदर एक तरह का डर होता है। और सेकंड चीज है, हमें किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट है हमारे पार्टनर का, माता पिता का, बच्चों का, दोस्तों का, समाज का, किसी भी तरह का सपोर्ट हम सीख करते हैं। इसीलिए तो आप किसी भी काउंसलर तक या इसी कैसी टैरो रीडर तक या ऐसी किसी भी एस्ट्रोलॉजर तक पहुंचते हैं जो आपको किसी न किसी तरह से गाइडेंस दे पाए। लेकिन मैं यहाँ पे इस वीडियो के साथ ये बात कहना चाहूँगी कि ये जो सपोर्ट सिस्टम हम ढूंढते हैं और जिस मोमेंट पे हमें डर लगता है, उसका मैंने एक हल निकाला है जो मैं अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रही हूँ और अब तक तो ये 100% हमेशा काम करने वाला जो है ना, वो क्या बोलते हैं, चाबी है जो मैं आज आपके साथ सबसे बड़ा राज शेयर कर रही हूँ कि जब भी आपका दिल घबराए तो दिल पे हाथ रख के और किसी का सपोर्ट चाहे, ऐसा चाहे कि कोई आके मुझे बोले कि तुम सही हो, तुम सच हो, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और दिल डर रहा है तो अपने परमात्मा की, अपने भगवान की, अपने ईश्वर की, अपने खुदा की, अपने गॉड की प्रेजेंस को अपने अंदर महसूस करना और उसको पुकारना, उसको बोलना कि मुझे इस चीज से डर लग रहा है या मेरे जीवन में ये कमी है या यहाँ भी जाने से मैं डर रहा हूँ या इन परिस्थितियों को फेस करने से मैं डर रहा हूँ या इन लोगों को फेस करने से मैं डर रहा हूँ या ये परिस्थितियों की वजह से मुझे रास्ता नहीं नजर में आ रहा है या ये लोग मुझे डराते हैं, आप उनसे बात करना। ट्रस्ट मी दोस्तों, 3-4 दिन में आपके रास्ते क्लियर होंगे, या तो कोई आपको रास्ता मिलेगा या तो वो आपकी मदद के लिए किसी न किसी को भेजेगा। आप परमात्मा को जिस भी रूप में पूछते हैं, माता रानी, शिव जी, जिस भी भगवान के रूप में पूछते हैं, निराकार आकार फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस भी उस परम तत्व में, परम शक्ति में जिसमें आपका विश्वास है, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, जिसने आपके दिल को बनाया, जो आपके शरीर को चला रहा है, जो आपकी सांसों को चला रहा है, जिसने आपके सोते टाइम आपकी सांसों का ध्यान रखा है, जो जब आप जन्मे भी नहीं थे तब आपका ध्यान जिसने रखा है, उस प्रभु से मदद मांगिए ना। हम किसी और से क्यों मदद की उम्मीद रखते हैं और फिर निराश होते हैं, हताश होते हैं, सोचते हैं दुनिया बुरी है, कोई मदद ही नहीं करता। हम इतना डरते क्यों हैं? हम अपने परमात्मा को याद क्यों नहीं करते? उससे अपना रिश्ता इतना गहरा बना लीजिए कि जब भी आप पुकारे, ये जो आपका दोस्त है ना,
आपका खुदा दोस्त आपकी मदद में हाजिर रहे। दोस्तों मैं कैसे कैसे अनुभव आपके साथ साझा करूं, वो बोलते हैं ना ऐसी बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है, मुझे नहीं शेयर करना, लेकिन मेरी बातों में आपको सच्चाई जरूर नजर आएगी। वो हर किसी को वो चीज देता है जो उसको चाहिए, चाहे वक्त लग सकता है, आपकी गृह परिस्थिति वैसी है, आपको कुछ कर्म भोगने हैं, आपको कुछ लेसन सीखने हैं, लेकिन आपके जीवन की परिस्थितियां जरूर बदलेंगी। हौसला रखिए, हिम्मत रखिए, उसके ऊपर भरोसा कीजिए। वो बहुत ताकतवर है और वो बहुत दयालु है। आपको एक बात बोलूं, जब कोर्ट में जज जो होते हैं ना, जिनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होता है, उनके सामने भी अगर कुछ न कुछ दया की अर्जी डाली जाती है तो वो भी रहम फरमाता है। जिसके पास सबसे सुप्रीम पावर है इस देश में, उसका दिल कई बार मतलब दुख जाता है, रहम दिल हो जाता है। जब भी मैं जज को देखती हूँ कोर्ट के अंदर, तो मेरा दिल हमेशा सोचता है कि जो सबसे बड़ा जज है, जो हम सबको जज करने की ताकत रखता है, उसका दिल तो कितना बड़ा है, हमारी इतनी सारी गलतियों को संभाल लेता है, हमें माफ कर देता है, अब हमें अपनी बाहों में लेके सहलाता है, फिर से हमें उठ खड़ा होने का हौसला वो देता है। तो हम उस परमात्मा के ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते? उस माता रानी, उस परम पिता पे विश्वास कीजिए, उसकी मदद मांगिए। जब भी बहुत निराश हो जाए, हताश हो जाए, किसी का सपोर्ट आपसे करे और जीवन में एंजाइटी, डिप्रेशन, तकलीफ, ऐसा लगे कि शून्य हो चुके हैं, प्लीज अपने परमात्मा को मदद के लिए पुकारिए। ये मेरा विश्वास है, अखंड विश्वास है कि वो आपकी मदद भेजेगा, वो आपके लिए जरूर कोई ना कोई चमत्कार करेगा। उसके ऊपर विश्वास तो कीजिए, ये ब्रह्मांड उसने बनाया है, क्या आपके लिए एक चमत्कार करना उसके लिए बड़ी बात है? ये अंधश्रद्धा नहीं है, ये विश्वास है, ये खुद के ऊपर विश्वास है, ये उसके ऊपर विश्वास है जो मेरी सांसें चला रहा है, जो आपकी सांसें चला रहा है, जो इस वक्त आपके कान चला रहा है, जिसकी वजह से आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। ये जादू नहीं तो क्या है? क्या आपको पता है कि आपके कान कैसे काम करते हैं? उसने बनाए हैं, उसने किया है ये चमत्कार। तो उसके ऊपर भरोसा कीजिए और मदद सिर्फ और सिर्फ अपने भगवान से मांगिए। मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ, लेकिन कई बार बेहद निराश हुए लोगों को देख के मुझे दुख होता है, निराशा होती है। तो एक गुरु चाबी जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, जब भी परिस्थितियों में फंस जाती हूँ, मैं उसको मदद के लिए पुकारती हूँ और वो भागा भागा आता है। और मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि वो हमेशा आपके लिए भी भागे भागे मदद के लिए आए। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, कॉल लगाइए अपने भगवान को, जवाब जरूर आएगा। ठीक है।